हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह स्टूडेंट्स बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन आई गेस दिस संडे एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रिविजन इन दीज लास्ट टू थ्री डेज वट यू शुड स्टडी टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स ट्रस्ट मी इट मैटर्स अ लॉट आप अभी के एक दो दिन में क्या पढ़ रहे हो इससे आपके पाँच सात दस मार्क्स भी बढ़ सकते हैं एंड इट मैटर्स अ लॉट ठीक है सो वॉट टू स्टडी इन दीज लास्ट टू थ्री डेज फुल फॉर्म्स पढ़ लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल वॉट इज अ फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट राइट एन ई एफ टी कॉमन फुल फॉर्म्स राइट आई मीन सर फायसीज क्वेश्चन आर देयर इन द एग्जाम एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन ये इट्स वेरी कॉमन कि इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं फुल फॉर्म से राइट फॉलोड बाय आर बी आई गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स फॉर लास्ट थ्री ईयर्स पिछले तीन साल के आप आर बी आई गाइडलाइंस और सर्कुलर्स पढ़ लीजिए इवन यूट्यूब पर बहुत सारा कॉन्टेंट मेरे अवेलेबल है एंड इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम्स टू तो गाइडलाइंस और सर्कुलर्स पढ़ने आपको लास्ट थ्री ईयर्स के आप ईजीली पढ़ सकते हो लास्ट सेवन एट मंथ्स के वन ईयर के तो ज़रूर पढ़िए इसमें से बहुत मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको आर बी आई गाइडलाइन से मिलेंगे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और आई आर ए सी नॉर्म्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में से दो तीन क्वेश्चन फॉर श्योर आएंगे आर गाइडलाइंस में से तो आते ही आते हैं नो डाउट अबाउट इट कुछ एक गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है सारी तो ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ सकते सम ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम पीएम ईजीपी मुद्रा सी जी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट में पीपीएफ एनपीएस सुकन्या समृद्धि uh, किसान क्रेडिट कार्ड की एक योजना है पीएम किसान है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएम एम विश्वकर्मा स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड देन आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना भी आप यहाँ पे कर लो इंपॉर्टेंट है ए पी वाई दीज आर सम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन द एग्जाम्स ठीक है बार बार ये आ जाती हैं एक मुद्रा रह गया है वो भी लिख देते हैं तो ये स्कीम्स आपको 100% करनी है बेसिक अकाउंटिंग में देर आर क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल बजटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेप्रिसिएशन से ही क्वेश्चन आता है ओके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सी वगैरह क्या है एनसीडीज वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल पेपर सी वगैरह इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं अगेन आर गाइडलाइन में ही है ये IBC and सी एंड सरफाईसी एक्ट इज दे आर इंपॉर्टेंट आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर नॉट टेलिंग यू द इंटायर सिलेबस नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने नहीं बताया क्योंकि वो लेंदी है पढ़ने में टाइम लगता है तो इतने शॉर्ट पीरियड में आप कर नहीं पाओगे नोमैरिकल में आपका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के एक दो क्वेश्चन आते हैं और एशियो एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स फोर फाइव क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइक टू थ्री क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो पिछले में मैं आपको बता देता हूँ आई बी आई में से एक दो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऑफ नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इसमें एक दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स में से आप आठ नौ सात आठ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आर गाइडलाइंस में से आप दस बारह मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो और प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग आर इसी का ही पार्ट है और एक दो एक दो क्वेश्चन आप स्विफ्ट और निफ्ट वगैरह टॉपिक्स में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सो यू कैन गेट एन गुड आइडिया कि ये जो मैंने अभी बताया है तो इसमें से आप 22 25 मार्क का पेपर डायरेक्टली इसमें से आएगा बाकी का जो पेपर आएगा नो बडी नोस की कहाँ से आ जाए बट यहाँ पे एक श्योरिटी रहती है कि ये पढ़ के जाएंगे तो आपका एक अच्छा मार्क बन सकता है ठीक है सो बैंक ऑफ इंडिया पावर कैप्स्यूल वी हैव प्रिपेयर जिसमें हमने आर की गाइडलाइंस लास्ट वन ईयर यू नो ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस और 527 मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चंस हैं 72 पेजेस का पहले कंटेंट है जिसमें आर की गाइडलाइंस हैं उसके बाद 527 पेजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सो अगर आपके पास एक दो दिन ही हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कैप्सूल ही पढ़ें गो थ्रू द कैप्सूल इट्स आई गेस फाइव सिक्स हंड्रेड रुपीज़ राइट आप इसको गो थ्रू करें बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटीरियल आपके दस बारह मार्क्स इंप्रूव होंगे एंड मोस्ट प्रॉबेबली जब भी कोई स्टूडेंट पास नहीं हो पाता वो दस बारह मार्क्स के कारण ही नहीं हो पाता पाँच मार्क तीन मार्क के कारण फेल होता है सो जस्ट रीड दिस एंड आई एम डैम श्योर दट दिस वुड हेल्प यू टू इम्प्रूव यूर सेवन एट मार्क्स इट विल गिव यू दट दैट मनी मार्क्स फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट श्योर बिकॉज इट हैज़ ऑल द आरबीआई गाइडलाइंस पहले तो देन गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर and latest financial updates are also there just, just go through that link is available in the description please check it and please read it okay and that's all for today students thank you and have a very nice day i hope you like the today's session and i hope you will read all the topics that i provided and that would help you for sure just go through that and if there is any other doubt in your mind please ask your doubts and i'm going to answer all your doubts and that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye